नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया ग्राम पंचायत रामपुर में 2000 से अधिक व्यक्तियों को फाइलेरिया का दवा खिलाया गया आशा बहनों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकासखंड मनिये के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा फाइलेरिया यानी हाथी पांव की विकलांगता से बचाने हेतु दवा खिलाने का अभियान 10 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। आप अपने परिवार सहित जरूर दवा खाएं, क्योंकि एक भी व्यक्ति दवा खाने से छूटा तो वह अपने परिवार एवं बच्चों को संक्रमित कर सकता है। याद रखें, कोई भी बहाना बनाना खुद को या अपने लोगों को विकलांग होने के खतरे में डालना होगा। आप अपने क्षेत्रीय आशा बहनों से दवा लेकर अवश्य खाएं। आशा बहनों ने बताया कि ग्राम पंचायत रामपुर के प्रधान आफ्ताब आलम के तरफ से सहयोग मिल रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देती हुई आशा बहनों ने बताया है कि 2000 से अधिक ग्राम पंचायत रामपुर में फाइलेरिया का दवा खिलाया जा चुका है। फाइलेरिया रोग एक कृमि वाली बीमारी है। यह कृमि लसिका तंत्र की नलियों में होती है और उन्हें बंद कर देती है। यह फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक विशेष प्रकार की कृमि द्वारा होता है। इसका प्रसार क्यूलेक्स नामक विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है। आइए सुनते हैं आशा बहनों की जुबानी, किया कुछ कह दो ही है। आपका नाम क्या है? रंजनी सिंह, रामपुर। अच्छा, कहाँ से आप लोग आई हैं? रामपुर से। क्या मतलब आप लोगों का उद्देश्य है जो घर घर जा रही है? फाइलेरिया मुक्त करने की दवा बांट रहे हैं। अच्छा, आशा बहू है क्या आप? जी। क्या है फाइलेरिया? फाइलेरिया हाथी पांव जैसे फूल जाता है। मच्छर के मंदा मच्छर काटने से फाइलेरिया होता है। अच्छा, उसे बचने के लिए सरकार द्वारा जो है योजना चलाई जा रही है। जी, जी। उस योजना को आप लोग घर घर जो है पहुंचाकर हाथी पांव मुक्त कराना चाह रहे हैं। जी, जी। तो आज आप दवा का डोज क्या है? दवा का डोज है 2 से 5 वर्ष तक ले 1 गोली और 5 से 10 वर्ष तक ले 2 गोली और 15 से ऊपर 3 गोली है। 3 गोली है जी। और उसके साथ कीड़ी की भी दवा है क्या? जी, एल्बेंडाजोल। तो उसका क्या, उसका डोज क्या है? 1 है। सबको? सब 1 से 2 साल के आधा गोली, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली। अच्छा, और 2 से ऊपर हर लोगों को 1 गोली खाना है। अच्छा, 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली कीड़ी वाला और 2 से ऊपर का जो है एक गोली, जितना उम्र है वो 1 गोली। अच्छा, 6 महीना में 1 बार खाना है। 6 महीना में 1 बार खाना है। इसका परहेज है क्या कोई? कुछ परहेज नहीं है। अच्छा, ये हाथी पांव के लिए जो आप आज फाइलेरिया की दवा मुक्त, फाइलेरिया मुक्त के लिए दवा जो आप लोग घर घर दे रहे हैं, तो आप लोग आज किस गांव सब हमें आप लोग दवा दे रहे हैं? रामपुर गांव में। गांव रामपुर, अपने क्षेत्र में ही दवा देना है। अच्छा, तो आप लोगों का क्षेत्र रामपुर? जी, रामपुर। तो रामपुर में कितने लोगों को आप लोग दवा दे चुकी है, खिला चुकी है? 2000 से ऊपर हम लोग दवा बांट चुके हैं, खिला चुके हैं। जी, आप लोग जो है मतलब 2000 से अधिक लोगों को दवा आप लोग खिला चुके हैं। तो लोग दवा खाने में आनाकानी कर रहे हैं कि खा ले रहे हैं स्वेच्छा से? कुछ लोग खा ले रहे हैं, कुछ लोग दवा ले रहे हैं कि हम खा लेंगे। अच्छा, हम लोग समझा रहे हैं। हाँ। कि जैसे कि 2 साल से 5 साल तक ले गोली खाइए आप लोग, इससे डरिए मत, कोई भी साइड इफेक्शन नहीं होगा। इसमें जो बीपी और शुगर का, हार्ट के पेशेंट होंगे वो लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, बीपी और हार्ट के लोग नहीं खाएंगे? नहीं, जो गर्भवती होंगे वो भी नहीं खाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं खाएंगे? नहीं, गंभीर रोग से जो ग्रसित है वो लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, जिसका दवा इस तरह से नॉर्मल रोगों में चल रहा है वो लोग खा लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप बता सकते हैं कि महिला कितने और पुरुष को कितने और बच्चे कितने को दवा खिलाई है, ये काउंटिंग है? ये तो काफी क्षेत्र के अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। अच्छा, अपने लिस्ट को देख करके यह बताइए कोई अभी अभी कितने लोगों को बाकी है आपके क्षेत्र में? छह से लोग अभी बाकी है। ये भी मतलब 2-4 दिन में परसों तक पूरा हो जाएगा? आप लोग परसों तक पूरा कर लीजिए, 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग जब दवा खिलाने के लिए जा रही हैं घर घर, तो किसी लोगों से या किसी इस तरह के व्यक्तियों से कोई परेशानी तो पैदा नहीं हो रही है? परेशानी नहीं है, कोई लोग डर रहा है कि ये दवा खाने से कुछ होगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं, साइड इफेक्शन होगा, जो भी दिक्कत होगा आप लोग हम लोग से संपर्क करिए। अच्छा अच्छा, ये आप लोग समझा रहे हैं तो लोग मान रहे हैं? जी, आजकल तो मोबाइल पर मैसेज आ गए हैं तो बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, आकर के हम लोग से पूछ रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं। आपका क्या नाम है? गीता सिंह। गीता सिंह, बहुत अच्छा। और आपका नाम क्या है? रंता यादव।
अच्छा, आप लोग 3 आदमियों की पुष्टि है रामपुर में? 3000 की आबादी में, 1 आशा 1000 की आबादी पर, 1000 के पर 1 आशा की नियुक्ति है, तो रामपुर में 3000 की आबादी है। प्रधान का यहाँ सहयोग मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, कौन है प्रधान इस समय? अब तक अच्छा काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक ठीक।